शादी के 5 साल बाद ना, ये जो वीडियो में एक बच्ची है वो मेरी बेटी है सुहाना। तभी अगर मेरे भैया देख रहे हैं वीडियो तो, कि अगर आपको बात करने का मन नहीं करता, मेरे मुंह देखने का मन नहीं करता, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों मैं हूं विकास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं बीमू। और स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे अपना यूट्यूब चैनल बिमला विकास ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे और कुछ दिन पहले ही हम आपको बताए हुए भी थे कि मतलब हमारे हमसे मिलने कौन आई हुई थी ना, और क्या प्रॉब्लम हो गया था। तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ, और ये रिलेटेड टू बिमला है ना, इनको प्यार से हम बीमू कहते हैं, बुलाते हैं, तो यही बताएं कि क्या हुआ है, तो इनके ही जुबान से आप सुनिए। दोस्तों आप लोगों को हम बताए थे कि मतलब कुछ दिनों से हमारे घर एक गेस्ट आ रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं बता सकते वीडियो में। अगर कुछ दिन के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो हम बता देंगे, ऐसे बोले थे। लेकिन नॉर्मल होने की वजह और भी ज़्यादा एबनॉर्मल हो गया, और भी ज़्यादा टेंशन हो गया। तो ये हम आप लोगों को बोले थे, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या हुआ है, आप बताए नहीं, बताए नहीं। हम सोचे कि मतलब छोड़ देते हैं, नहीं बताएंगे क्योंकि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि बताइए बताइए क्या हुआ है। वैसे हम मतलब कहना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अब मतलब कह दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिनों से नहीं, एक दो बार ना, एक बार मेरे मतलब शादी के 5 साल बाद। दोस्तों शादी के 5 साल बाद ना, मेरी मतलब मेरी अपनी बहन आई थी मुझसे मिलने। और वो भी कैसे आई थी, एक मेरे बहन की दोस्त है जो हमारे YouTube चैनल देखते हैं ना, देखती है। तो वो ना मतलब यहीं पे, मेरे बहन भी यहीं पे पढ़ती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यही शहर में, ये छोटा सा शहर है, तो यही शहर में मेरे बहन पढ़ती है, ठीक है। तो मेरे बहन की दोस्त जो है वो जिद करने लगी उसको कि चलो मतलब इसके घर, दीदी के घर चलते हैं मिलने के लिए। तो मेरी बहन नहीं आ रही थी, उसकी शादी हो गई, इसी साल शादी हुई, हम लोग नहीं गए। आप लोगों के साथ हम शेयर नहीं किए क्योंकि ये दरभंगा में थे, मैं यहाँ पे थी। अगर अकेले शेयर करती ऐसे भी मतलब मेरा तबीयत ख़राब रहता था, शेयर करती तो मैं और भी ज़्यादा रोती। मतलब किसी के साथ अगर शेयर करती हूँ तो और भी ज़्यादा, मतलब अकेले तो मैं रो ही रही होती, वैसे भी मतलब सारे लोग समझते हैं कि हम कितने रोते हैं। तो मतलब ज़िंदगी में इतने दुख है कि क्या ही बताएं, मतलब रोना ही रोना रहता है। तो नहीं बताया आप लोगों को, आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। मतलब अभी ना 2 महीने हुए मेरे बहन का शादी का, ठीक है। देखिए 2 महीने हुए मेरे बहन के शादी के, तो पढ़ने आई थी अपने दोस्त के साथ। तो उसके दोस्त ना बहुत ज़्यादा मतलब वो करने लगे, जिद करने लगे कि चलो चलो दीदी के घर चलते हैं। तो वो बोली कि ठीक है मैं जाऊँगी लेकिन बोलूँगी नहीं। तो बोले कि ऐसा कैसे होगा, बोलोगी नहीं। तो बोले चलो चलो। तो वो मेरे बहन के साथ यहाँ पर आई, तो वो डर रही थी कि मेरे भैया मेरे बहन को भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि मेरे भैया ही मेरे फैमिली में है जो कि मतलब नहीं माने हैं ना। और मेरे मम्मी पापा भी मतलब नहीं माने, अभी तक 5 साल हो गए, कभी भी बात नहीं की हूँ मैं अपने मम्मी पापा से। तो देखिए पहले से ही ना मेरे बहन की दोस्त मेरे बहन से पूछती थी कि मतलब आपके मम्मी पापा को मन नहीं करता है बात करने के लिए, मतलब मेरे साथ बीमू के साथ। तो बोलती थी कि हाँ मम्मी पापा का तो मन करता है बोलने के लिए, लेकिन भैया के डर से नहीं बोलते हैं, क्योंकि भैया बोलते हैं कि जो उसके साथ रिश्ता रखेंगे उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मतलब ये कि अगर कोई मेरे साथ रिश्ता रखेगा तो मेरे भैया उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, इस तरह से। तो इसके डर से मम्मी पापा भी आज तक 5 साल हो गए कभी भी ना बात किए, ना बात करने की कोशिश की ना। तो मेरे बहन ना मतलब मेरे दोस्त ज़बरदस्ती उसको लेके आ गए थे। तो यहाँ पे मेरे बहन जो शॉर्ट वीडियो होता है ना, रील्स वगैरह, वो बनाई थी, ठीक है। तो किसी तरह मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये आई थी और ये शॉर्ट्स वीडियो बना रही है, और इसमें कैसे उनके भैया को पता चल गया ये भी देख लीजिए आप, सुहाना दिख जाती है वीडियो में। देखिए भैया को पता चल जाता है कि मेरे बहन मेरे घर आई थी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भैया मेरे टोटल वीडियो देखते हैं। तभी तो उनको पता है कि ये मेरा छत है, तभी तो उनको पता है कि सुहाना कैसे दिखती है, मतलब सारे कुछ वो देखते हैं, खुद देखते हैं। लेकिन किसी को बोलते हैं कि मत देखो, कोई भी मत देखो, कोई भी बात मत करो, जो भी इनके साथ बात करेंगे उनसे हम अपना रिश्ता तोड़ लेंगे, इस तरह से मतलब 5 सालों से बोलते आ रहे हैं। तो इसके डर से हमारे कोई रिश्तेदार भी मतलब नहीं बात करते हैं, कोई दूर दूर के रिश्तेदार बात भी करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है मेरे भैया, मतलब मेरे भैया से, कि अगर उनको पता चल जाएगा तो हमारे साथ रिश्ता वो ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए मेरे बहन आई थी और उनको पता चल गया मेरे भैया को, तो बहुत ज़्यादा मतलब सुनाए मेरे बहन को कि ये वो ऐसा वैसा। तो ये बात ना मेरे बहन की सिस्टर, मतलब मेरे बहन की जो दोस्त है ना, वो आके मुझे बताई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, भैया को पता चल गया तो अब से नहीं आएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, तो इसलिए हम नहीं बता पाए, ना ही वीडियो में दिखा पाए, और शायद ना ही दिखा भी पाएंगे क्योंकि अब वो तो आएगी नहीं फिर से हम से बात बात कुछ भी नहीं होगा ना।
अच्छा नहीं लगता अपने भैया के बारे में कुछ भी मतलब बुरा बोलना, कहना कि ये नहीं है, बाकी कमेंट भी आते रहते हैं, कोई हमारे फेवर में कहते हैं कि आप कर लेना चाहिए, मान जाना चाहिए, कोई बोलते हैं आप गलती की हो तो आपको सजा भुगतना पड़ेगा, तो हम तो भुगत ही रहे। बाकी मतलब अगर आप ऐसे मानते ही हो कि अगर आप गलती की हो तो ज़िंदगी भर आपके मायके वाले नहीं मानेंगे, बात नहीं करेंगे, ठीक है नहीं करें, लेकिन मेरे मतलब मेरा मन करता है एक ये बात बोलने को दोस्तों कि अगर मेरे भैया को, अगर मेरे भैया देख रहे हैं वीडियो तो वो भी देख सकते हैं, उसको भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको बात करने का मन नहीं करता, मेरे मुंह देखने का मन नहीं करता तो आप मत देखिए, लेकिन अगर किसी को उसी फैमिली में मुझसे बात करने का मन करता है, उसको मन करता है कि मैं उसके साथ बोलूँ, रिश्ता रखूँ, तो आप मतलब क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि उनका मतलब उनका मर्जी है ना, किसी का भी मतलब अगर मानो एक ही फैमिली में हम हैं, आपका मन करेगा किसी के साथ नहीं बोलने के लिए तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन अगर मेरा मन करता है बोलने के लिए, उसको देखने के लिए, तो नहीं बोल सकते क्या आप? ज़बरदस्ती कर सकते हो, ये अच्छा है मेरे हिसाब से दोस्तों कि ये ठीक नहीं है। अगर मेरे मम्मी मुझसे बात करना चाहती है तो मेरे भैया को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, अगर आप उनसे बात करोगी तो आपको मेरे साथ रिश्ता ख़त्म। तो इसके डर से ही मेरे मम्मी 5 साल से बात नहीं कर रही है, मतलब एक बार भी नहीं की है, ना मम्मी ना पापा कोई भी नहीं, बहन छुप छुप के मतलब कभी कभार बात करती थी, और जब फर्स्ट टाइम आई और यहाँ पे छत पे वीडियो बनाए थे, वीडियो में सुहाना भी आ गई तो भैया देख लिए और प्रॉब्लम हो गया, तो अब वो भी नहीं आएंगे। तो मतलब मैं भैया से यही कहना चाहूँगी, अगर कोई बात करना चाहते तो प्लीज़ आप उनको आप मना तो मत करिए, इतनी भी बुरी तो नहीं, इतने भी मतलब गलती तो, इतने भी गलत काम तो नहीं कर लिए। देखिए दोस्तों, इस समाज में हम इस दुनिया में देखते हैं लोग कितने कितने गलत काम करते हैं, घटिया से घटिया काम करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एकदम आराम से होता है ना, ऐसे सीना तान के चलते हैं, मतलब सर उठा के, लेकिन हम इतने भी क्या गलती कर लिए कि हम जी नहीं सकते, हमें हमारे साथ कोई बात नहीं कर सकते, इस तरह के भैया सोचते, लेकिन वो खुद हमारे सारे वीडियो देखते हैं, हमारे सारे अपडेट वो रखते हैं, तभी तो उनको पता चला कि ये मेरा छत है और ये जो वीडियो में एक बच्ची है वो मेरे बेटी है सुहाना, तभी तो उनको पता चला ना ना बाबू। तो दोस्तों यही सब प्रॉब्लम था, बाकी मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोग का कमेंट आ रहा था कि बताइए बताइए, तो बता दिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं रेडी हुई हूँ स्कूल जाने के लिए, स्कूल से बुलाए हैं हमें, तो अभी जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या बातें होती है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जॉब के बारे में कि क्या हुआ, ठीक है, अभी चलते हैं दोस्तों। बाकी आप सब हमारे YouTube फैमिली है तो हम आप सब से हर चीज़ शेयर करते हैं, और इससे पहले हम आपको बोले थे कि हम आपको बताएंगे, लेकिन 2-3 दिन हो गया था, हम कुछ अलग अलग ब्लॉग डाल रहे थे, उस चीज़ को हम नहीं बताना चाह रहे थे, बीमू जी कह रही थी कि नहीं बताते हैं, लेकिन कमेंट आ रहा था कि आप लोग जो कमिटमेंट करते हो कि हम बताएंगे तो बताया कीजिए, हम इंतज़ार करते रहते हैं, तो हमने सोचा जब कह दिए हैं यूट्यूब फैमिली को तो हम शेयर करते हैं, वो भी यूट्यूब फैमिली पर, हम मतलब सारे फैमिली तो साथ छोड़ रहे हैं, एक यूट्यूब फैमिली है जिनसे हम नाता जोड़ने आए हैं, रिश्ता बनाने आए हैं, तो उनके साथ हम लॉयल नहीं रहेंगे, विश्वास नहीं, मतलब जो हर चीज़ हम नहीं शेयर करेंगे तो रोती क्यों है बाबू, मत रो, तो वो कैसे हमें प्यार करेंगे, हमें साथ सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ रिश्ते बनाएंगे, चलो हम उनसे शेयर कर लेते हैं, क्या पता शायद हमें और फैमिली मिल जाए जो हमें प्यार करे, कोई अपना भैया बना लेंगे, कोई आपको दीदी बना लेंगे, इसलिए हम यूट्यूब पर आए हैं दोस्तों, और आप सबसे फैमिली की तरह रिलेशनशिप बनाने आए हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें आप लोगों का प्यार मिलेगा, और हम तो आप लोग से प्यार करते ही हैं, रोज़ आपको याद करते हैं, आप सबके लिए एक वीडियो तो डालते ही हैं दोपहर को, तो आप सबसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, क्या होगा, जॉब के लिए जा रहे हैं दोनों, होता है कि नहीं होता सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।